हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारे सीनियर्स थे उनमें से एक भी सीनियर्स ने हम लोग को मोटिवेट कभी नहीं किया था कि यू शुड ट्राई फॉर नेट एग्जामिनेशन। इनफैक्ट वो हमको मोटिवेट करते थे, यू शुड नेवर ट्राई फॉर नेट एग्जामिनेशन, जिंदगी बीत जाती है, एग्जाम क्लियर नहीं होता है। किसी का क्यों नहीं निकला, वो वही बंदा, इनफैक्ट वो वही बंदा भी नहीं जानता, वो उससे पूछोगे ना क्यों नहीं निकला, वो अभी भी क्लूलेस होगा कि कहाँ गड़बड़ हुआ। उसको अभी बोलते ना शॉर्ट आउट करने में ही उसको इतना टाइम लगेगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई थी। अंकुश जी, डरने का जरूरत नहीं, ना सभी के रास्ते एक जैसे होते हैं, ना सभी की मंजिलें एक जैसी होती है। यहाँ तक जितने भी बच्चे, किसी के रास्ते एक जैसे नहीं है, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, सब अपनी कहानी में अपना एक कैरेक्टर लेकर बैठे हुए हैं। अब आप ये किसी और की कहानी को सुन के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका जो सफर चलने वाला है वो कैसे होगा। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारे सीनियर्स थे उनमें से एक भी सीनियर्स ने हम लोग को मोटिवेट कभी नहीं किया था कि यू शुड ट्राई फॉर नेट एग्जामिनेशन। इनफैक्ट वो हमको मोटिवेट करते थे, यू शुड नेवर ट्राई फॉर नेट एग्जामिनेशन, जिंदगी बीत जाती है, एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ये मोटिवेशन हम एक ऐसे सीनियर से ले रहे थे जिसने 12 टाइम्स CSIR दिया था, बट उसके बावजूद भी वो क्लियर नहीं कर पाया था। तो जब ऐसे इंसान से हम मोटिवेशन लेते हैं तो हमको भी लगा कि यार नहीं हो पाएगा, ये बात सही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने किसी और से भी मोटिवेशन लिया, फिर किसी और से भी लिया, मतलब हमने वैरायटी ऑफ अलग अलग लोगों से कंसल्ट किया और वैरायटी ऑफ हमको सजेशन मिले। फिर हमको एट द एंड यही समझ में आया कि सब इंसान अलग है, सब इंसान के रास्ते अलग है, मंजिलें भी काफी हद तक अलग है, और दो जो फाइनल मंजिल होती है वो एक ही होती है, दैट इज CSIR नेट, बट स्टिल जिस रास्ते से होकर आप गुजरते हो वो अलग है। और उनके बाद जितना भी बैच आया, मतलब उस सीनियर के बाद जितना भी बैच आया, उस बैच में से भर भर के स्टूडेंट CSIR के रखे, ठीक है। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेट हर फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम सर साइड। बिल्कुल, लोगों के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी CSIR निकलते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ इसका नहीं निकला तो मेरा तो नहीं निकलेगा, ऐसा कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इनफैक्ट ये रूल ही नहीं है। किसी का क्यों नहीं निकला, वो वही बंदा, इनफैक्ट वो वही बंदा भी नहीं जानता, वो उससे पूछोगे ना क्यों नहीं निकला, वो अभी भी क्लूलेस होगा कि कहाँ गड़बड़ हुआ। उसको अभी बोलते हैं ना शॉर्ट आउट करने में ही उसको इतना टाइम लगेगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई थी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, वक्त सभी लोग स्पेंड करते हैं, कोई कोई ऐसा तो है नहीं कि मजाक, किसी ने अपनी जिंदगी को मजाक बना के रखा है। टू बी वेरी फ्रैंक, सब सब मेहनत करते हैं, किसी की मेहनत रंग ला जाती है, किसी की नहीं लाती है, किसी में कोई ना कोई कमी रह जाती है, फिर वो स्टूडेंट उस कमी को दूर करता है। जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही सबका हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी का भी ना हो, हर एक टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। पूजा रानी जी, किसी के टॉन्ट से जो है आपको अपनी जिंदगी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मे बी ऑल दो दिस ये स्टोरीज में जल्दी शेयर नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि दुनिया का नेचर एक ही जैसा होता है, ठीक है। हमको रफ बनना पड़ता है। मैं अपने यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, ठीक है, बट मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी जॉब सबसे लेट लगी, सिंपल भाषा में कहें तो मैंने सबसे लेट कमाना शुरू किया। उसके बहुत से रीजन थे, क्योंकि मैं बहुत जगह पे क्लूलेस थी, मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे PhD के लिए जाना चाहिए या मुझे जॉब के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मास्टर में ऑलरेडी लैब में लगभग 7-8 महीने मैंने काम किया था, एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड लाइक हेल। मुझे लैब का कल्चर और जो भी इन्वायरमेंट है, मैंने मन लगा के वहां काम किया था, बट मुझे वो भा नहीं रहा था, मतलब उतना फ्रस्ट्रेशन, उतना टेंशन मैं संभव झेल नहीं पाई थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई कैन हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स एनीथिंग। तो उस वजह से मे बी मेरा एटीट्यूड उस चीज को लेकर अच्छा नहीं था, मुझे डर लगता था, सीधी सी बात है। मैं एकदम लैब वाले इन्वायरमेंट से जो है धीरे धीरे मैं डरने लगी थी, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था, और बहुत आपके आप इमेजिन नहीं करोगे उतने लेवल का प्रेशर होता था लैब में, बहुत भयंकर वाला प्रेशर। मतलब मैं एक ट्रेनी की तरह मैंने ज्वाइन किया था लैब, और उस लैब में बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होता था, इतना कि मुझे रात को घर आते आते 11, 11:30, 12 तक बज जाते थे, ठीक है, और मतलब नॉर्मल लाइफ तो कुछ रही नहीं गई थी। एंड ड्यू टू दैट रीजन मैंने क्या किया, मैंने एक लंबा ब्रेक ले लिया 3-4 महीने का, जब मैंने लैब छोड़ा उसके बाद मैंने लंबा ब्रेक ले लिया, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। पहले मुझे लगा था कि मैं रिसर्च वर्क में अपना
करियर कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जब मैंने रिसर्च वर्क 7-8 महीने कंटिन्यू किया तो मुझे लगा कि दिस इज नॉट हैपनिंग, मतलब मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हर एक काम में एक इंसान का खुश रहना जरूरी है, मैं खुश नहीं थी, ठीक है। इस वजह से मैंने एक गैप लिया। अब उस गैप में क्या होता था, मेरे ऐसे दोस्त जिनकी कंपार्टमेंट तक आई थी, मतलब जैसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, नहीं पेड ट्रेनिंग नहीं थी मैम, सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट जो आई थी, वैसे दोस्त भी मेरे को ताना दे रहे हैं कि क्या फायदा हुआ यूनिवर्सिटी टॉप करके जब तू आज घर में बैठ के 500 रुपए भी नहीं कमा सकती। मैंने ये लाइन जो है सुनी थी, मतलब आप समझ सकते हो किस किस लेवल के मैंने ताने सुने हैं। और भी बहुत मजाक में वो कहते थे, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि वो मजाक नहीं है, वो टॉन्ट है। फिर मुझे अपने दोस्तों से ही मिलने के लिए जाने में जो है मुझे एम्बैरस फील होने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता होता था कि वहां पे मेरी मतलब क्योंकि कोई मेरे मेंटल कंडीशन को नहीं समझ रहा है, बट एवरीवन इज रेडी टू गिव अ टॉन्ट ऑन मी, क्योंकि वो लोग सिर्फ पासिंग नंबर लेकर एग्जाम क्लियर किए थे, 50%, 40%, 7%, और उनकी जगह पर मैं एक यूनिवर्सिटी टॉपर थी जो कि 80%, 90%, उससे भी ज्यादा परसेंटेज लेके मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो वो बार बार यही मेरे को सुनाएंगे कि क्या फायदा हुआ इतना नंबर लेने का, क्या कर ले रही है तू आज अपनी लाइफ में, और हंस हंस के बोलेंगे। बट मुझे पता चलता था कि वो हंसी को बस एक जरिया बनाया जा रहा है ताकि वो जो अटैक कर रहे हैं ना मेरे ऊपर, वो डायरेक्ट अटैक ना हो, वो इनडायरेक्ट अटैक। तो जब मेरे जैसा इंसान को भी इतना ताना सुनना पड़ सकता है, तो फिर आप सोचिए आप अभी किस लेवल पे हैं। तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं तो हम भी इस वाले दौर से गुजरे हैं। बहुत लोगों की बकवास, और जो लोग बोलते थे ना आज के टाइम, मतलब जो लोग उस वक्त पे बोलते थे, उनकी अपनी कोई, कहते ना अपना कोई स्टेटस नहीं था, बस महीने की 10-15 हजार की नौकरी कर रहे थे, उसमें भी वो बहुत उड़ रहे थे। फिर कहते ना कि आप में अगर हुनर है, मैं बस आप कह सकते हो कि मैं बस थक के मैंने एक ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं शॉर्ट आउट करना चाहती थी कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। कहते हैं कभी कभी जब आप भीड़ में भाग रहे होते हो ना, आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है जस्ट टू डिसाइड कि कौन सा मोड लेना है आपको, कहां से आपको अपने रास्ते को बदलना है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप रेस से बाहर हो गए, रुकने का मतलब ये भी होता है कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए पीने को, मैं अभी यहां से डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सा वाला मोड लेना है। हर एक पॉज जो है वो स्टॉप पॉइंट नहीं होता, कुछ पॉज टर्निंग पॉइंट होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने वो पॉज लिया था, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन लिए। और जो लोग 10-15 हजार की नौकरी करके मुझे ताने मारते थे, आज मैं उन जैसे ना जाने कितने लोगों को मैं खुद जॉब दे सकती हूँ। तो टाइम आपको जो है प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। सिर्फ तानों से आप किसी के परेशान होकर आप गिव अप नहीं कर सकते हो। जो भी ताना दे रहा है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। बहुत हाई लेवल का सुनती, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ तो बहुत कम लेवल का है, बहुत हाई लेवल का सुनती थी। ठीक है, तो एटीट्यूड रखिए लीस्ट बॉदर का हमेशा। कोई कुछ भी बोले, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकालिए, क्योंकि मैंने वो नहीं किया था, मैंने अपने आप को हर्ट होने दिया था। और आज मुझे पछतावा होता है कि मैंने अपने आप को क्यों हर्ट होने दिया था उस टाइम, नहीं होने देना चाहिए था। हम ना किसी के कहते हैं ना उम्मीदों पे खड़े उतरने के लिए हमने मतलब हम पैदा नहीं हुए हैं। हम अपना कैलिबर जानते हैं, हम कितना कैलिबर होल्ड करते हैं ये हम जानते हैं। हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है। दूसरों के बस जजमेंट से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि हमारी मेहनत कम थी या ज्यादा थी। हमेशा मेहनत गलत नहीं होती है, कभी कभी टाइमिंग भी गलत होती है। टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से भी बहुत सी चीजें हाथ से निकल जाती है, बट ये बात किसी और को हम नहीं समझा सकते, बट हम समझ सकते हैं। आप जिस दौर में, उस दौर में मैं भी कभी थी, मैंने इससे भी ज्यादा सुना है। और उस टाइम पे जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, उस टाइम पे हमें समझाने के लिए कोई नहीं था। इनफैक्ट जिससे समझने के लिए पूछने जाओ वो भी बंदा मतलब कि बदले में ताना दे देता था। ठीक है, तो शुरुआत मैंने आपको बताई है, और शुरुआत में तो आप मेरे साथ नहीं थी, लेकिन ये जर्नी अभी चल रही है उसका आप जरूर पार्ट हो। ठीक है, तो मैं हमेशा ही मेरे स्टूडेंट से मैंने हमेशा ही अपनी कमजोरियां भी शेयर की है, बहुत से चैलेंजिंग इवेंट भी शेयर किए हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि आप अकेले नहीं है जो ये झेल रहे हैं, हम भी वो झेल के गुजरे हैं। बट हम जितना कमजोर पड़े थे, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई भी स्टूडेंट उतना कमजोर हो,
क्योंकि वो कमजोरी कुछ नहीं करती, आपको अनवांटेडली टेंस रखेगी, ओवर थिंक करवाएगी, आप में सेल्फ डाउट क्रिएट करेगी कि क्या एक्चुअल में, क्योंकि जब मैं ताने सुनती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार जो 40-50% लेकर जो आदमी बैठा है वो नौकरी करके अपने घर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट होकर मैं घर में बैठी हूँ और छोटी मोटे कह सकते हो आप जरूरतों के लिए मुझे मेरे डैड से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। वो चीजें लगती थी बहुत चुभती थी एकदम, लेकिन मुझे पता था कि ये जो दौर चल रहा है उसे मैं ही बदल सकती हूँ, कोई और नहीं बदल सकता है। तो मैंने बोलने दिया, मैक्स टू मैक्स मैंने क्या किया, मैंने सबसे कॉन्टैक्ट ब्रेक कर लिया। आज भी सब वो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन उस वक्त के लिए कहते ना एक फ्रीज पीरियड में मैं चली गई, ना किसी का उतना रिप्लाई देती थी, कॉल अगर आता भी था तो मैं लगभग ना के बराबर रिसीव करती थी, कोई बहाने बना देती थी कि यस आई वॉज नॉट अवेलेबल तो मैंने रिसीव नहीं किया। उसमें भी ताने आते थे कि हाँ ऐसा तो कुछ जॉब वॉब कर नहीं रही है, कहाँ इतना बिजी है। यही है कि जब आपको लगे कि टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ रही है, जस्ट मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल। तो कभी भी लाइफ के किसी भी मोड पे इतना कमजोर नहीं पड़ना है कि कोई भी आए और आपको ढोलक की तरह बजा के चला जाए, नेवर, कभी नहीं। आज मुझे अपने लिए खराब लगता है कि मैंने अपने आप को उन लोगों की बातों से बहुत हर्ट किया, बहुत चैलेंज किया, बहुत सेल्फ डाउट किया, बट मैं वो डिजर्व नहीं करती थी जितना मैंने अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट किया। ये मुझे आज समझ में आता है, उस टाइम मुझे समझ में आता तो मैं अपने आप को इतना हर्ट नहीं करती, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को इंस्पायर होइए, ठीक है। इंस्पायर होना अच्छी बात होती है, सीखिए, सीखना भी अच्छी बात होती है, लेकिन किसी और के बस उंगली उठा देने पर से आप सेल्फ डाउट कभी क्रिएट मत कीजिएगा, नेवर। हर्ट होगा, सीधी सी बात है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर हैविंग अ बंच ऑफ इमोशंस, उसमें से एक इमोशन है तकलीफ लगना, किसी की बात होगा। फिर मेरे को अभी भी मेरे को बहुत से ताने सुनने को मिलते हैं, अब अलग लेवल वाले होते हैं, ठीक है। मतलब इंसान तानों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, आपको पता चलेगा, आप जो है दुनिया के सबसे मतलब बोलते ना कामयाब आदमी भी बन जाएंगे तो भी आप ताने सुनेंगे ताने कभी बंद नहीं होंगे आपके अब बोलते हैं बहुत ज्यादा बनती है जब कुछ नहीं बने थे तब भी ताने सुने थे, आज थोड़ा लाइक बन गए हैं तो भी ताने सुनते हैं। तो मतलब लोगों को चैन कहीं नहीं है, ठीक है, किसी चीज में जो है वो खुशी नहीं मिल सकती। तो दिस ताना इज वेरी वेरी कॉन्स्टेंट, सो बी यूज टू ऑफ दिस, आदत डाल लीजिए। अब तो मेरे को ताने सुन के हंसी आती है, बेइज्जती भी फील नहीं होती है, मुझे हंसी आती है। वे कपिल शर्मा का डायलॉग नहीं है कि कोई आपसे कहे कि हाथी उड़ता है तो कह दीजिए हाँ आज ही उड़ के जो है मेरी खिड़की पे आके बैठा था। सिर्फ वही वाला एटीट्यूड लाना है, दैट्स इट। कीर्ति कोई बात नहीं, आपको पता है ना आपको एटीट्यूड नहीं आया है, उनको बताने की जरूरत नहीं, उनके लिए अच्छा है अगर वो फील करते हैं कि आगे की उड़ा गया है, अच्छी बात है, एटलीस्ट वो आपसे दूर रहेंगे। यस, तो जो वक्त रह गया है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम तो ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, हार्डली 2 से 3 महीने बाकी है, तो आपके पास मौका बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, अगले अटेम्प्ट के लिए। तो उसमें जी जान लगा दीजिए, जहां कमी रह गई है उस कमी को पूरा कीजिए और एग्जाम क्लियर कीजिए। रियल फ्रेंड ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, जी आयशा जी, एंड आई एम वेरी मच अनलकी इन दैट कि आज के टाइम में मेरे पास रियल फ्रेंड्स लगभग ना के बराबर है, एंड दैट इज वाई मुझे अकेले रहने की आदत होती है। पूरा संडे में अकेले घर में रह के बिता सकती हूँ बिना किसी से फोन कॉल पे बात किए, मुझे अब आदत हो गई। बट दिस लोनलीनेस इज मच 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 बेटर देन अ टॉक्सिक फ्रेंड जो आपको ताना दे, ठीक है। अ फ्रेंड के नाम पे कुछ एक आध लोग हैं जिनसे बातें होती हैं, टीम है हमारी वेदमी टीम, उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो अभी जो हमने नए रिलेशंस बनाए हैं उनको अभी लेकर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बाय गॉड ग्रेस अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा चलेगा।